सिंपली बहुत सारे लोग प्लेलिस्ट पे आएंगे इस तरीके का। आने के बाद में फ्रेंड जब प्लेलिस्ट में आएंगे तो प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो आप ऐड करके रखेंगे, अगर एक बार उस वीडियो पे टेस्ट किए, हेलो एवरीवन, तो आ गया मैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट कैसे करें, वो भी खुद से देख के, मतलब खुद से देख के और जल्दी से अपना वॉच टाइम 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट कैसे करें। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वॉच टाइम कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत सारे गलतियां भी कर देते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बताते भी कि एक मोबाइल में 10-20 जीमेल बना लो, उसी से देखा करो। मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको गलतियां भी बताऊंगा कि किस किस गलती को नहीं करना है वॉच टाइम के चक्कर में, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा। दोस्तों मैं कुछ आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 4000 घंटे वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि एक मोबाइल में 10-20 जीमेल बना लो, उसी से देखा करो, उसी से सब्सक्राइब भी कर लो, सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और वॉच टाइम भी ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि किस किस गलती को नहीं करना है, नहीं तो आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा, और किस ट्रिक को यूज़ करके आप अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों मैं जो बताऊँगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका चैनल मोनेटाइज होगा बिल्कुल आसान तरीके से और यूट्यूब को पता भी नहीं चलेगा कि आपने खुद से देख के अपना वॉच टाइम बढ़ाया है। बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं जो आप करेंगे तो आपका वाट लग जाएगा, आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा क्योंकि मोनेटाइज नहीं होगा वहाँ पे जाएगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगा, दो चीज़ बताऊंगा जिससे आप जो आपको गलती भी नहीं करना है और आप सही तरीके से अपना वॉच टाइम भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों गलत तरीका यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सही तरीका बताऊंगा और अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और साइड में आप देख सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बताते हैं 10-20 जीमेल जो है कुछ बना लो, उसी से अपना वीडियो देखा करो, इससे बहुत प्रॉब्लम आएगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपका, जैसे आपने खुद बहुत सारे लोग बताते हैं अपना वीडियो खुद देख के और वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट कर लें एक दिन में, दो दिन में। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वॉच टाइम आप बढ़ा सकते हैं। जैसा एक साल में आप बढ़ाते हैं तो आपका वॉच टाइम जल्दी बढ़ा सकते हैं, एक महीने में बढ़ा सकते हैं, दो महीने में बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक दिन में दो दिन में वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा। कोई भी कितना भी कहे, अगर गलत तरीके से वॉच टाइम बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूट्यूब पर जाकर, सिंपली मैं अपना यूट्यूब ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधा यहाँ से अपना चैनल का नाम सर्च करेंगे। जैसा मैं अपने चैनल का नाम सर्च करके आपको दिखाता हूँ कि लोग गलती क्या करते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे सर्च कर दिया फ्रेंड, नेट स्लो लग रहा है इसकी वजह से इतना स्लो बता रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खुल चुका है, ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे सीधा चैनल वाले पे इस पे जाएंगे और यहाँ से वीडियो पूरा देखना स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड। इस तरीका पूरा वीडियो स्टार्ट कर देंगे देखना, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड जो वीडियो आप देखे रहेंगे उसमें रेड लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का वीडियो में रेड लग जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक वीडियो ये रेड लगा हुआ है ये इस तरह का। तो यहाँ पे फ्रेंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चैनल सर्च करते हैं और पूरी वीडियो वॉच कर जाते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल सर्च करके वीडियो देखते हैं तो एक वीडियो देख के छोड़ दो उसको, ये नहीं कि बस चैनल सर्च किए और उसके बाद में जो वीडियो आया सब कुछ, मतलब सब वीडियो देखते चले जाएँ, मतलब एक घंटे में मतलब 5-10 वीडियो देख डाले, ऐसा नहीं करना है आपको। एक वीडियो देखना है, उसके बाद में कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। तो ये गलती नहीं करना है आपको कि अपना चैनल सर्च करना है और पूरी की पूरी वीडियो देख लेना है एक बार में, ऐसा नहीं करना है, इससे प्रॉब्लम बहुत आएगा। दोस्तों इससे प्रॉब्लम आएगा। और ये जो 5-10 जीमेल बना के अपना वॉच टाइम बढ़ाना है, ये सब भी नहीं सही है फ्रेंड, क्योंकि ये सब अगर आप करेंगे तो आपका एक ही मोबाइल रहेगा, उसमें नेट जो है आपका वाईफाई या हॉटस्पॉट वही कनेक्ट रहेगा, तो इससे भी प्रॉब्लम आएगा कि मतलब जो वॉच टाइम है जो गलत तरीके से बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह का गलती आपको नहीं करना, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपने आप खुद देखते हैं अपने वीडियो को दूसरे के फ़ोन से, फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा अगर गलती करेंगे तो। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये गलती नहीं करना है कि अपने चैनल पर 20 जीमेल बना लेना है, उसी से वॉच टाइम कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं करना है, इस तरह की गलती नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि अपने चैनल को सर्च करके बार बार वीडियो को नहीं देखना, एक बार अगर दिन में एक बार वीडियो देख लिए, दो बार देख लिए, उसके बाद में छोड़ देना, ये नहीं कि ऑटोमेटिक सब वीडियो देखते चले जाएं एक तरफ से, उसके बाद में फ्रेंड ये दो गलती आपको नहीं करना है। और तीसरी गलती फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये नहीं करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चैनल पर सर्च करके जाते हैं कोई, बहुत सारे लोग जाने के बाद में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक किए अपने चैनल वाले लोगों पर, लोगों पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड अब यहाँ पे मैं बताता हूँ एक गलती और बहुत सारे लोग करते हैं।
और इससे मतलब बेनिफिट होता है, मतलब देखने में लगता है बेनिफिट हो रहा है लेकिन बेनिफिट होता नहीं, इससे नुकसान होता है फ्रेंड। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लेलिस्ट दिख रहा है, तो हर वीडियो में हर लोग प्लेलिस्ट आजकल बना के रखते हैं, प्लेलिस्ट से फ़ायदा भी होता है, प्लेलिस्ट बनाना चाहिए। अगर नहीं पता है कि प्लेलिस्ट कैसे बनाएं तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं आसान तरीके से। तो सिंपली बहुत सारे लोग प्लेलिस्ट पे आएंगे इस तरीके का, आने के बाद में फ्रेंड जब प्लेलिस्ट में आएंगे तो प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो आप ऐड करके रखेंगे, अगर एक बार उस वीडियो पे टेस्ट किए तो पूरी वीडियो शो होने लगेगी एक तरफ से। कहीं मोबाइल चालू करके रख दिए तो पूरी वीडियो आपकी चलती रहेगी, एक घंटा दो घंटा जब तक उसमें कुछ फोल्ड नहीं होगा, तो जब तक वो वीडियो चलती रहेगी प्लेलिस्ट। अब फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या नाम है, एक प्लेलिस्ट में 6 वीडियो डाला है, एक प्लेलिस्ट में 98 वीडियो, एक प्लेलिस्ट में 6 वीडियो, एक प्लेलिस्ट में 14 वीडियो। अब फ्रेंड यहाँ पे 98 वीडियो एक प्लेलिस्ट में डाला हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस वाले में मैं क्या नाम है 98 वीडियो डाला हूँ फ्रेंड, डाला हूँ यहाँ पे। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे मैं आप अभी आपको दिखाता हूँ कि जैसे एक वीडियो मैं ओपन करता हूँ, इसको ओपन करने के बाद में फ्रेंड अब यहाँ पे पूरी वीडियो नीचे शो होना शुरू होगी। अभी देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लेलिस्ट लिख के आ जाएगा नीचे में कि नेक्स्ट वीडियो ये आने वाला है। उसके बाद में जब वो ख़त्म होगा तो फिर से आएगा नेक्स्ट वीडियो ये आने वाला है। तो इस तरह का आपको गलती नहीं करना है कि प्लेलिस्ट में जाके देखना है फ्रेंड। यहाँ पे थोड़ा नेट सिलो है इसकी वजह से तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं बहुत मेरा नेट लग रहा है ख़त्म हो गया है या सिलो है, कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से नीचे कुछ दिखा नहीं रहा है। अगर प्लेलिस्ट में आप ऐड करके देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो पूरी वीडियो आपकी जितनी भी वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड रहेगी वो सब ऑटोमेटिक चलती रहेगी। अगर आपने क्या नाम है चालू करके और साइड में रख दिया ऐसा, तो भी वो चलते ही रहेगी, उसको आपको बार बार टच नहीं करना पड़ेगा। एक वीडियो ख़त्म हुआ दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, इस तरह का आएगा, तो इससे भी प्रॉब्लम आएगा फ्रेंड, इस गलती को भी नहीं करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे 3 गलती आपको नहीं करनी है अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। सबसे पहला हो गया कि आपको 10-20 चैनल नहीं अपना जीमेल से चैनल नहीं बनाना है, अपना जीमेल उससे नहीं देखना है, इससे भी प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद में डायरेक्ट नेम चेंज करके अपना चैनल का डायरेक्ट भी नहीं देखना है। उसके बाद में प्लेलिस्ट पे जाके नहीं देखना है फ्रेंड, ये 3 काम नहीं करना है फ्रेंड। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे वॉच टाइम बढ़ाना है, 4000 घंटे वॉच टाइम कैसे बढ़ाना है, वो भी सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वीडियो का जो आपका वीडियो है उसका टाइटल सर्चेबल डालना है फ्रेंड। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि टाइटल सर्चेबल डालने से क्या होता है। देखिए आप भी सर्च करते हैं, कोई भी सर्च करेगा तो आपका बेनिफिट होता है, और अगर आप टाइटल सर्चेबल डालते हैं तो आप ही खुद सर्च करेंगे। अगर आप अपने वीडियो को सर्च करके देखेंगे दूसरे फ़ोन से अगर आपके अपने वीडियो को, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सर्च से आपने वीडियो को देखेंगे सर्च करके, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2-3 वीडियो देखना, ये नहीं कि आपको फिर से पूरी वीडियो देखना है, आपको सर्च करके 2-3 वीडियो देखना है, उसके बाद में कट कर देना है। उसके बाद में फिर से आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन से देखना है। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि नोटिफिकेशन से नहीं देखते हैं, नोटिफिकेशन से देखना है आपको, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करके रखना है आपको। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी बंदा वीडियो अपलोड करेगा, आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके दूसरे फ़ोन में भी नोटिफिकेशन जाएगा। तो आपको एक बार नोटिफिकेशन से देखना है, एक बार अपने यूट्यूब सर्च से देखना है, एक बार चैनल के पेज से, 3 काम आपको करना है। 3 बार अपने वीडियो को देखना है एक दिन में, उसके बाद में दूसरे दिन भी चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन उसी दिन फिर से बार बार नहीं देखना है, इससे भी प्रॉब्लम आएगा। अब फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 3 काम ये जो बताया हूँ मैं कि करना है, जैसे कि एक सर्च से अपने वीडियो को खुद से दूसरे फ़ोन में देखना है, दूसरा यह है कि नोटिफिकेशन से देखना है, तीसरा यह है कि चैनल के पेज से देखना है, जैसे आप स्क्रॉल करते हैं चैनल के पेज से, मतलब पेज पर आ जाता है। तो 3 तरीके से देखना है और 3 तरीके से नहीं देखना है। तो 3 तरीके से बेनिफिट क्यों नहीं है फ्रेंड, दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्यों है, क्यों नहीं चैनल मोनेटाइज होगा अगर ये गलती 3 करेंगे तो। देखिए जब आप चैनल मोनेटाइज के लिए रिव्यू में भेजते हैं, जब अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम जैसे इंसान वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप जैसे इंसान वहाँ पे बैठे हुए हैं और पूरी अच्छे तरीके से चेक करते हैं। जब चैनल मोनेटाइज के लिए रिव्यू में आप भेजते हैं, जब अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कोई मिशन सिस्टम है कि मिशन भी क्या नाम ऐसा वैसा करके चेक करके छोड़ देता है। हम जैसे आप जैसे लोग ही वहाँ पे बैठे हुए हैं और पूरी अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं, और इस वक्त YouTube का एल्गोरिथम बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बहुत बहुत नज़र रखता है YouTube पे, YouTube के टीम वालों ने बहुत नज़र रखते हैं, थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं तो चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। अगर गलत तरीके से अगर आप अपना वॉच टाइम बढ़ाएंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे अगर प्लेलिस्ट से देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जब चेक करेंगे रिव्यू में भेजेंगे अपने चैनल को, तो वहाँ पे देखेंगे यूट्यूब के टीम कि मतलब यहाँ पे ये सब प्लेलिस्ट से वॉच टाइम आया है, तो प्लेलिस्ट से ज़्यादा कोई देखता नहीं। आपको पता होगा कि आप
आप इतना फ्री तो हो नहीं कि किसी के प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे, तो इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी मतलब फ़र्क पड़ता है। तो अगर यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चला तो हो सकता है आपका चैनल डेड भी कर दे वो। देखिए इससे भी चैनल डेड हो जाता है, जैसा फॉर एग्जांपल अगर बार बार अपने वीडियो को देखते हैं गलत तरीके से और अपने ही फ़ोन से जीमेल अपने ही फ़ोन से उसी लोकेशन से उसी नेट से, तो इससे प्रॉब्लम आएगा। दोस्तों आपको ये तीन काम करना है और ये तीन काम नहीं करना है, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, ये सब पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आपके मन में कुछ भी सवाल है, आपका कुछ भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा फ्रेंड।